हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम और नंबर रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे। यहाँ जो मैं स्लाइड्स यूज़ कर रही हूँ, ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज़ की स्लाइड है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। हम यहाँ सारे नंबर सिस्टम्स की बात नहीं करेंगे, हम स्पेसिफिकली डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करेंगे। और फिर हम देखेंगे किस तरह से कंप्यूटर नंबर्स को, जो कि अनसाइंड हो सकते हैं, साइंड हो सकते हैं और या डेसिमल में हो सकते हैं, उन्हें स्टोर करता है या रिप्रेजेंट करता है। हम कुछ ऑपरेशंस की भी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से। डेसिमल नंबर सिस्टम, जो डेसिमल वर्ड है वो डिराइव हुआ है एक वर्ड डेसिम से, जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है 10। तो ये हम इसे डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम 10 सिंबल्स यूज़ करते हैं, 0 to 9। सो 0 to 9 10 सिंबल्स हैं, राइट? तो इसीलिए हम इसे कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अब अगर हम मान लीजिए किसी इन 10 नंबरों में से हम किन्हीं भी यू नो सेट ऑफ नंबर्स को ले लें और उसको प्लेस कर दें, तो वो दो नंबर, और इस तरह से हम दो अलग अलग नंबर बना दें, तो वो दोनों नंबर अलग अलग होंगे, उन दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। तो एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे कि हमने सिलेक्ट करा 2459। 2459 को लेके हमने एक नंबर बनाया 2954 और एक नंबर बनाया 2495, ठीक है? तो इन दोनों नंबर्स की वैल्यू अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो भी हम सिंबल सेलेक्ट कर रहे हैं या जो भी डिजिट हम ले रहे हैं वो किस पोजीशन पे है, उसका कंट्रीब्यूशन उस हिसाब से उस नंबर में होता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, 2945 जब हमने लिखा, तो यहाँ पर 2 का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? तो कितना कंट्रीब्यूशन है ये हमें पता चलेगा कि जो जो 2 की पोजीशन है उस नंबर में वो कहाँ पर है, ठीक है? तो जनरली हम इसे कहते हैं यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस यूनिट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है वो जनरली एज इट इज़ हम उसको ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो हमारी पोजीशन होती है या उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो यूनिट के टर्म्स में डिफाइंड होती है, ठीक है? तो जो भी इस प्लेस पे नंबर लिखा होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, ठीक है? तो हमने किया 5 into 1। अब हम इसमें ऐड करेंगे, फिर ये होती है हमारी टेंस प्लेस, ठीक है? तो 10 मतलब हम जो भी यहाँ नंबर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। फिर होती है हमारी 100 प्लेस, तो जो भी हमारा नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है? मैं 100 को 10 to the power 2 भी लिख सकती हूँ, 10 को मैं 10 to the power 1 भी लिख सकती हूँ, और 1 को हम 10 to the power 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये नोटेशन हमें आगे बाइनरी समझने में हेल्प करेगी, इसलिए। फिर 2 जो कि 1000 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मतलब 10 to the power 3, ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हैं एक पैटर्न हमें मिल रहा है, और ये पैटर्न किस तरह का है कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो आप हर एक पोजीशन को, अगर हम स्टार्ट करें राइट मोस्ट से, तो राइट मोस्ट में 10 to the power 0, देन 10 to the power 1, 10 to the power 2, इस तरह से कंटिन्यू करते जाइए जितने भी आपके डिजिट्स हैं, राइट? और जब आप इन सबको ऐड कर देंगे तो आपको उस नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे कि 2 into 1000 हो गया 2000, 9 into 100 हो गया 900, 4 into 10 हो गया 40, और 5 into 1 हो गया 5। तो इस तरह से हमें 2945 ये नंबर दोबारा से मिल गया। तो आप लोग काफ़ी फैमिलियर होंगे हालांकि ये नंबर सिस्टम से, डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम बचपन से ही यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? अब क्यों ह्यूमन बींग्स डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, तो इसका साइंटिफिक रीज़न आई डोंट नो, लेकिन कई लोग कहते हैं कि क्योंकि हमारे 10 फिंगर्स हैं, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू डू कंप्यूटेशन ऑन अवर फिंगर टिप्स, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो यहाँ पे एनीवेज जो भी रीज़न हो, लेकिन हमारे पास एक कॉन्क्रीट यू नो सेट ऑफ सिम्बल्स है, 10 सिम्बल्स हैं, इसलिए हमने कहा डेसिमल नंबर सिस्टम। और डिपेंडिंग अपॉन कि नंबर किस पोजीशन पे है, हम उस नंबर को इस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं।
ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरे नंबर सिस्टम की, जो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे लिए समझना इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो कंप्यूटर है वो यही लैंग्वेज समझता है, या कंप्यूटर एक्चुअली बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करता है। तो कंप्यूटर में सिर्फ दो ही सिंबल होते हैं, 0 और 1, ठीक है। तो बाइनरी मीन्स बाइनरियस, ये लैटिन वर्ड है जिसका जिसका मीनिंग होता है 2। इसमें सिर्फ दो ही सिंबल हैं, 0 और 1। इसमें भी पोजिशनल वैल्यू होती है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी नंबर में 2 1 और 2 0 हैं तो उनकी वैल्यू सेम रहेगी। डिपेंडिंग अपॉन कि 1 और 0 किन पोजिशंस पे हैं, वो वैल्यू उनके डिफ़र करेंगे। ये जो बी हम यू नो सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर बाइनरी है, ठीक है। और जितने भी हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो सब बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इजी होता है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ पर हम बोलेंगे या तो करंट आ रहा है, या तो करंट नहीं आ रहा है, या आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आ रहा है, तो इस तरह से यू नो ऑन ऑफ समथिंग लाइक दैट विल वर्क। ओके, सो वी कैन ईजिली रिप्रेजेंट एनी 2 सिम्बल्स इन आवर कंप्यूटर। सो एंड दो सिम्बल्स आर 0 and 1 एक्चुअली, राइट। अब ये कहाँ से आया है? तो यहाँ पे हम दो टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिट एंड बाइट। बिट मतलब बाइनरी डिजिट, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। 8 बिट्स मिलाकर एक बाइट बनता है, ठीक है। तो बाइट मतलब 1010 का एक सेट, ठीक है। तो ये मान लीजिए 8 बिट्स हो गए, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ये 1 बाइट का एक नंबर है, ठीक है, या इसकी साइज 1 बाइट, ये 1 बाइट है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा एक्सपेंशन उसी तरह से चलेगा। तो हम अभी थोड़ी ही देर में देखते हैं किस तरह से हम इनको, इनकी पोजिशनल वैल्यू को एक्सपांड करके यू नो कंप्यूट कर सकते हैं कि इस नंबर का मीनिंग क्या है। अब बात आती है कि ह्यूमन बींग्स बात कर रहे हैं डेसिमल में और कंप्यूटर वर्क कर रहा है बाइनरी में। तो ये जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसका कन्वर्जन क्या है, या क्या इक्विवेलेंस है डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, डेसिमल का 0 0 ही होता है, डेसिमल का 1 बाइनरी में 1 होता है। पर जैसे ही हम आते हैं 2 पे, तो बाइनरी में क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही सिम्बल्स हैं, तो जो भी नंबर लिखना है हमें, वो हमें सिर्फ 1 और 0 के फॉर्म में ही लिखना है, राइट। तो 2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 से, 3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 से, 4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 से, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो आइए हम देखते हैं, हम अभी देखेंगे किस तरह हम इन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट दिस इज़ हाउ यू नो, सो ईच डेसिमल नंबर इज मैप्ड विथ एग्जैक्टली 1 बाइनरी नंबर। ओके ओके, नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, ठीक है। तो अगर रैंडमली अच्छा, तो यहाँ अभी तो हमें बाइनरी और डेसिमल का एक्सपांशन दिख रहा है। तो मान लीजिए हमें कोई सा भी नंबर दिया है, सपोज़ 100101, एक बाइनरी नंबर दिया है, ठीक है। और मुझे कन्वर्ट करना है इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि जैसे कि हमने, जब हमने डेसिमल नंबर का एक्सपांशन देखा था, तो हमने पोजीशन के अकॉर्डिंग 10 की पावर को हम बढ़ाते गए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और हमने अकॉर्डिंगली डिजिट्स प्लेस करके हमने देखा वो नंबर कैसा है, ठीक है। अब अगर हमें किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ 10 हम वहाँ पर बाइनरी मतलब 2 को हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बाइनरी में तो सिर्फ 2 ही सिंबल्स हैं। तो देखिए, जैसे कि ये वाला हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये जो राइट मोस्ट 1 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 0 से। फिर सेकंड हम आए 0 पे, ठीक है, सेकंड हम आए 0 पे, हमने 0 को मल्टीप्लाई किया 2 to the power 1 से। फिर हम आए 1 पे, हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 2 to the power 2 से। ऐसे हम चलते गए 0 0 1, ये जो 1 है इसकी पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे ये है, इसलिए हमने इसे किया 1 into 2 to the power 5 से, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है। जैसे ही आपने ये एक्सपांशन लिख लिया, आपको क्या करना है? अब आपको सिंपल मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन लगा कर इसे कंप्यूट करना है। तो 2 to the power
यू नो 5 होता है 32, 32 इंटू 1 हो गया 32. ज़ीरो हम कभी भी ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा. ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स ने हमें ज़ीरो दे दिया. 2 to the power 2 जो है वो 4 हो गया, और 2 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो ये 1 हो गया. अब हम सिंपल इसको ऐड करेंगे और हमें मिल गया 37. ठीक है, तो 100101 बाइनरी नंबर इज़ इक्वलेंट टू 37 डेसिमल नंबर. ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर में लिखेंगे 37, ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या स्टोर होगा, ये स्टोर होगा 100101. दिस इज़ हाउ यू नो बाइनरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू डेसिमल नंबर. अब हम देखते हैं कि डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे. राइट, तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका जस्ट रिवर्स करना है. ठीक है, अभी हम 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते गए हैं, अब हमें 2 से इसे समहाउ डिवाइड करना है. ठीक है, तो आइए हम सबसे पहला तरीका जानते हैं किस तरह से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मान लीजिए हमारे पास है अगेन ये 37. ठीक है, अभी हमने देखा था बाइनरी से हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था. अब आपको करना क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले देखना है लार्जेस्ट पावर ऑफ 2. व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पावर ऑफ 2, ठीक है, जो जो गिवन नंबर है उससे छोटा हो. तो फॉर एग्जांपल आइए हम जल्दी से देख लेते हैं. जैसे कि हमने देखा 2 to the power 0 होता है 1, 2 to the power 1 होता है 2, 2 to the power 2 होता है 4, 2 to the power 3 होता है 8, 2 to the power 4 होता है 16, 2 to the power 5 होता है 32, 2 to the power 6 होता है 64, 2 to the power 7 होता है 128, सो ऑन सो फॉर्थ. ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले देखना है, अच्छा 37. अब आइए यहाँ हम सर्च कर लेते हैं कौन सा ऐसा लार्जेस्ट पावर है 2 का जहाँ पे ये नंबर फिट बैठ जाएगा. ठीक है, तो अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ पे बात करें 2 to the power 5, ये होता है 32. 2 to the power 6 64 हो गया. ठीक है, तो 64 तो नंबर से बड़ा हो गया, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर जो इस नंबर से छोटा है और जो जो 2 की पावर में है वो है 32. ठीक है, 32 जो है 2 की पावर 5. तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमें ये मिल गया 2 to the power 5, हमें जल्दी से एक टेम्पलेट बना लेना है. वो टेम्पलेट कैसा होगा, इस तरह का होगा. वो शुरू होगा 2 to the power 5 से, देन 5 4 3 2 1 0. ठीक है, अभी हमने उल्टा किया था 0 1 2 3 4 5 गए थे, अब हमें उल्टा आ जाना है 5 4 3 2 1. हम इस तरह से लिख लेंगे, हालांकि ये यहाँ पे क्या डिजिट्स रखना है वो हमें नहीं पता. एक बार अगर हमें पता चल गया कि यहाँ कौन सी डिजिट्स आएंगी, तो अगर हम सिर्फ उन डिजिट्स को साथ में लिख देंगे तो वो हमारा बाइनरी नंबर बन जाएगा. ठीक है, तो आइए हम देखते हैं किस तरह से हम इन डिजिट्स को निकाल सकते हैं. तो हमें मिला 32, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इस जगह इस लोकेशन पे आपको 1 प्लेस कर देना है और 32 को इस नंबर में से माइनस कर देना है. ठीक है, तो ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया. अब हमारे क्या बचा, 5. अब 5 को हम, तो 32 को तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अब हम 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर से हम अपना सर्च शुरू करेंगे और हम देखेंगे 2 to the power 3 8 हो जाता है, तो 5 तो 8 से छोटा है, तो एक पीछे आ जाइए 2 to the power 2 दैट इज़ 4. राइट, तो अब आप देखिए यहाँ पे अपने टेम्पलेट में सर्च करिए कहाँ लिखा है 2 to the power 2, यहाँ लिखा है, तो इस जगह पे आप 1 रख दीजिए. ठीक है, और 4 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. अब हमारे पास क्या बचा, 1. फिर से सर्च करिए, 1 हमें यहाँ मिल गया. ठीक है, मतलब 2 to the power 0 में हमें 1 प्लेस करना है. ठीक है, और यहाँ पे 1 को करिए, यहाँ पे आपको एंड में हर नंबर में 0 मिल जाएगा. अब आप कुछ ऐसी लोकेशंस देख रहे हैं जहाँ पे हमने 1 प्लेस कर दिया, जितनी भी बची हुई लोकेशन है उन सब जगह पर आप 0 इंसर्ट कर दीजिए. अब आपका बाइनरी नंबर क्या होगा, आप बस इसको लाइन से लिख दीजिए, जो डिजिट्स हमने बनाए ना, तो यहाँ से ले लिया 1 0 0 1 0 1. ठीक है, तो ये हो गया 100101, यह बन गया हमारा बाइनरी नंबर.
ये बन गया हमारा बाइनरी नंबर, ठीक है। इस तरह से हमने 37 को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। एक और बड़ा आसान सा तरीका है इसका, आइए उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो एक तरीका तो ये है जिसमें हम टेम्पलेट फॉर्म करेंगे, लार्जेस्ट पावर ऑफ टू विच इज़ लेस देन ये नंबर देखेंगे, टेम्पलेट बन जाएगा और इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करके डिजिट्स को पुट करते जाइए। दूसरा तरीका थोड़ा ईजी है, देख सकते हैं इसे भी। हम क्या करेंगे, इसको रिपीटेडली टू से डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर को हम संभाल के रखेंगे, क्योंकि रिमाइंडर ही हमें एक्चुअली बाइनरी फॉर्मेट का नंबर देगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 37 डिवाइड बाय 2 किया, 37 डिवाइड बाय 2 होता है 18 और रिमाइंडर क्या बचा 1, तो हमने यहाँ 1 को संभाल के रखा। फिर 18 डिवाइड बाय 2 किया, हमें मिला 9, यू नो न्यूमरेटर आई मीन डिवाइड करके आया 9 और रिमाइंडर क्या बचा 0, ठीक है। 9 बाय 2 किया 4 आया, रिमाइंडर 1, 4 बाय 2 रिमाइंडर 0, 2 बाय 2 रिमाइंडर 0, ठीक है, 1 बाय 2 रिमाइंडर 1। तो जब हो जाए कि अब 0 आ गया है यहाँ पे, है ना, और हमें ठीक है 0 आ गया है, तो आप रुक जाइए और इस यू नो रिमाइंडर वाली सीरीज़ को आप उल्टे ऑर्डर में पढ़िए, उल्टे ऑर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ पढ़िए, तो जो नंबर आपका बनेगा वो एक्चुअली बाइनरी फॉर्म होगा, ठीक है। आइए मैं आपको जल्दी से एक नंबर का करके हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मान लीजिए 11 का हमें डेसिमल नंबर है 11, उसका हमें बाइनरी निकालना है, तो 11 बाय 2 ये आ जाएगा 5, यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 5 बाय 2 आ गया हमारा 2, रिमाइंडर 1, 2 बाय 2 आ गया हमारा 1, रिमाइंडर 0, 1 बाय 2 आ गया हमारा 0, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। और अब इसको हम इस ऑर्डर में लिखेंगे, तो 1011 ये होता है बाइनरी, ये 11 जो 11 है डेसिमल का, वो डेसिमल का 11 इज इक्वलेंट टू, ये डेसिमल 11 है, ठीक है, इज इक्वल टू 1011 इन बाइनरी। तो ये भी एक आसान तरीका है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा किस तरह से हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कर सकते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है, हम इस बाइनरी को एक बार डेसिमल में कन्वर्ट करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ। तो अब हमें क्या लिखना है, तो पोजीशन देखिए, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे हम, एग्रीड, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 3 इज़ 8, 8 इंटू 1 8 प्लस, यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो गया, 2 टू द पावर 1 2, तो यहाँ 2 आ गया, ये 2 टू पावर 0 होता है 1, ठीक है, यहाँ 1 आ गया, इनको ऐड करेंगे, 8 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये हमने 11 को पहले कन्वर्ट किया बाइनरी में और फिर से बाइनरी को हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्जन होता है। तो जब भी हम कंप्यूटर में डेसिमल नंबर में कुछ भी लिखते हैं तो कंप्यूटर एक्चुअली उसको बाइनरी फॉर्मेट में जाकर स्टोर करता है, और जब भी वो हमें वापस डिस्प्ले करता है तो वो उस बाइनरी फॉर्मेट को कन्वर्ट कर देता है हमारे डेसिमल फॉर्मेट में। ओके, थैंक यू।